यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था आजकल खुद ही लाचार हो गई है। मऊ जिले के अदरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस की सुविधा न होने से मरीजों की जीवन रक्षा में देरी हो रही है। शनिवार को सूचना देने के बाद भी मरीज के घर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। एम्बुलेंस के न पहुंचने पर जब तक परिजन मरीज को अस्पताल ले जाते, इसकी मौत हो गई। उठे तो सांस फूल रही थी, उनकी चल रही थी और सांस लेने में दिक्कत हुआ तो उनको तो फिर एम्बुलेंस बीपी न पहुंचाने के लिए तो फिर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहें तो लगाए 60 नंबर पर एम्बुलेंस उधर उधर बात करें, कभी कभी पास लगा तो कभी मऊ पास पड़ेगा, फिर उसको बात करके राजे सामान फोन करके मना कर दिए हैं। तो बोले कोपागंज से बुला लीजिए, तो मऊ से बुला लीजिए। मऊ को फोन करके मऊ तो कोपागंज से आपको पास पड़ेगा, आप कोपागंज किया है तो मऊ आपको पास पड़ेगा, इसी चलते टाइम वेस्ट होगा। क्या लगता है एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। उसमें जो एक वार्ड को कॉल करते हैं वो एक वार्ड नंबर के लिए मोबाइल से अपने वो उसको भेजते हैं, कॉल करते हैं, जिसका उनका जो ऑफिस है लखनऊ उसके द्वारा वहां से तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है और नियर बाई जो भी एम्बुलेंस होती है वो भेजते हैं। तो उन्होंने काम किया कि नहीं किया और किया कि क्यों नहीं पहुंची, इसके लिए जांच करवा। कल मैं वाराणसी में एक कार्यशाला में था तो हमको कोई सूचना ही प्राप्त हुई। आज हम समाचार पत्र हम भी देखे हैं और उस पर हम जांच करके कार्रवाई करेंगे।